खबर है पूरे संथाल परगना से। पहला खबर है गोड्डा से। कोरोना वैक्सीन को लेकर टास्क फोर्स की समीक्षा। कोविड 19 को लेकर राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत नगर परिषद सभागार में कोविड वैक्सीन को लेकर जिला स्तरीय टास्क फोर्स की समीक्षा बैठक आहूत की गई। इसमें कोविड 19 वैक्सीन से संबंधित विभिन्न गतिविधियों को सुचारू क्रियान्वयन करने, निगरानी रखने आदि पर चर्चा हुई। नगर परिषद के सभी वार्ड के पार्षद LS, NULM, NSS, NCC, NYK एकजुट प्रतिनिधियों एवं लोकल NGO आदि को कोविड 19 वैक्सीन के लिए जागरूक किया गया। सभी से सहयोग की अपील करते हुए अपने आसपास के क्षेत्रों में वैक्सीन के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए दिशा निर्देश दिया गया। टास्क फोर्स बैठक की अध्यक्षता नगर परिषद अध्यक्ष जितेंद्र कुमार मंडल ने की। खबर है दुमका से। किसानों के समर्थन में आज रहा दुमका बंद। किसान बिल के विरोध में दिल्ली में हो रहे प्रदर्शन व किसान यूनियन की ओर से 8 दिसंबर को प्रस्तावित भारत बंदी का दुमका के विभिन्न राजनीतिक दलों ने समर्थन किया है। बंदी को सफल बनाने के लिए सोमवार को परिषदन में सर्वदलीय बैठक की गई। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष श्यामल किशोर सिंह ने बताया कि कांग्रेस राजद झामुमो CPIM की ओर से यह बंद किया जाएगा। लंबी दूरी के वाहन को चलने नहीं दिया जाएगा। सारी दुकान बंद रहेगी। आवश्यक सेवाएं से जुड़ी गाड़ियों को बंद से मुक्त रखा गया है। झामुमो के केंद्रीय महासचिव विजय कुमार सिंह ने कहा है कि करीब 10 दिन से दिल्ली की सीमा पर किसान शांतिपूर्वक ढंग से आंदोलन कर रहे हैं। किसान भविष्य को देखकर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार अपनी जीत पर अड़ी हुई है। राजद जिलाध्यक्ष अमरिंदर यादव ने कहा कि केंद्र सरकार पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए किसान को हाशिए पर लाना चाहती है। किसान ही नहीं, हर किसी को इसका विरोध करना चाहिए। इधर जामा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिशा निर्देश पर देश के मालिक किसान को मजदूर बनाने के केंद्र सरकार के षड्यंत्र के खिलाफ झारखंड में किसान अन्नदाताओं के पक्ष में झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार की ओर से बंद का निर्णय लिया गया। यह खबर है जामताड़ा से। कमीशन पर काम करने वाले साइबर अपराधी हुए गिरफ्तार। सोमवार सुबह साइबर ठगी के जाल में दूसरों को फंसाने के क्रम में संजय पंडित नामक युवक को नारायणपुर थाना के पुलिस ने बिष्टुपुर गांव से गिरफ्तार किया। उक्त युवक को प्रशिक्षुक IPS सह थाना प्रभारी शुभांशु जैन के नेतृत्व में गठित टीम ने नाटकीय ढंग से घर से उठाया। पुलिस को खबर थी कि संजय साइबर अपराध के काम को अंजाम दे रहा है। वर्ष 2017 में एक बार जेल जा चुका है। इसके पास से मोबाइल सिम, बैंक खाते, नकदी 75,250 जब्त किए गए। वह जमानत पर जेल से निकलकर फिर ठगी में जुड़ चुका था। यह खबर है देवघर से। साइबर अपराध पर नियंत्रण को चलाएं अभियान। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी वरिष्ठ नारायण सिंह ने सोमवार को कार्यालय कक्ष में अनुमंडल क्षेत्र के सभी थाना प्रभारी के साथ मासिक अपराध समीक्षात्मक बैठक किया। कहा कि साइबर अपराध पर नियंत्रण करने के लिए क्षेत्र में विशेष अभियान चलाने को कहा। लंबित कांडों को तुरंत निष्पादन करने और फायर वारंटी को गिरफ्तार करने को कहा। अवैध बालू, कोयला व पशु तस्करी को रोकने का निर्देश दिया। कहा कि अनलॉक प्रक्रिया में ढील मिलते ही बाजार में भीड़ को देखते हुए विशेष अभियान चलाकर लोगों को मास्क पहनने के लिए जागरूक करें। मधुपुर थाना के अलावा मार्को मुंडो, कोरो, पाथरोल, बुड़ई व महिला थाना में दर्ज विभिन्न कांडों का विस्तार पूर्वक अवलोकन किया। खबर है पाकुड़ से। दूसरी किस्त में 2,60,00,000 की योजनाएं होंगी स्वीकृति। जिला परिषद अध्यक्ष बाबूधन मुर्मू और DDC अनमोल कुमार सिंह ने सूचना भवन में सोमवार को हुई बैठक में जिला परिषद सदस्यों को महत्वपूर्ण बातों से अवगत कराया। DDC ने कहा कि दूसरी किस्त में 2,07,00,000 की योजनाएं स्वीकृत होंगी, इसकी सूची उपलब्ध कराई जाए। उप विकास आयुक्त सह जिला परिषद के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी अनमोल कुमार सिंह ने सदस्यों को बताया कि पूर्व में 15वें वित्त आयोग के तहत उपलब्ध प्रथम किस्त 2,60,00,000 की योजनाओं का प्राकलन तैयार कर स्वीकृति के लिए कार्रवाई की गई है। इसे सॉफ्टवेयर में अपलोड करना है। सॉफ्टवेयर में दूसरी किस्त में मिलने वाले 2,60,00,000 की योजना का भी प्राकलन तैयार कर अपलोड किया जाना है तथा प्रथम किस्त की राशि के लिए योजनाओं की स्वीकृति मिल सकी। उप विकास आयुक्त को जीप सदस्यों ने कुछ और योजनाओं की सूची
बैठक समाप्त होने के बाद समर्पित करने को कहा, जिस पर उन्होंने जीप सदस्यों से सूची प्राप्त करने का और कनिक के अभियंताओं का अविलंब प्राकलन तैयार कर अग्रेतर कार्रवाई करने को कहा। शहर में सड़क जाम व अतिक्रमण से लोग हैं परेशान। शहर में प्राइवेट बस स्टैंड से लेकर रोहतारा चौक तक मुख्य मार्ग पूरी तरह से अब अतिक्रमण की चपेट में आ गया है। इसका परिणाम है कि गोड्डा महागामा मुख्य मार्ग में अब शहरी क्षेत्र हमेशा जाम की स्थिति से जूझ रहा है। पहले यह साप्ताहिक हाट के दिन होता था, लेकिन अब यहां हर दिन जाम लग रहा है, जिसका कारण आम लोग राहगीर यात्री वाहन के साथ ही एम्बुलेंस लेकर अग्निशामक वाहन को बाजार से बाहर निकलने में भारी मशक्कत करनी पड़ रही है। वही आम लोगों की दिनचर्या भी प्रभावित हो रही है। ढीली पड़ रही व्यवस्था के कारण अब दुकानदार जितनी चाह रहे हैं उतना मुख्य सड़क की जमीन का अतिक्रमण कर दुकान को सड़क तक सटा चुके हैं। रस खबर है साहेबगंज से, मनरेगा के तहत संचालित योजनाओं में लाए तेजी। उपायुक्त राम निवास यादव ने प्रखंड में संचालित सभी योजनाओं को तेजी से पूरा करने को कहा है। कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में शनिवार को मनरेगा प्रधानमंत्री आवास योजना एवं 15वें वित्त आयोग की योजनाओं की समीक्षा के दौरान उन्होंने यह निर्देश दिया। उपायुक्त ने प्रखंडवार प्रधानमंत्री आवास निर्माण के लिए निबंध तथा स्वीकृति की समीक्षा की। उन्होंने अनुसूचित जाति जनजाति अल्पसंख्यक एवं अन्य के लिए सभी प्रखंडों को मिले लक्ष्य एवं उसके विरुद्ध हुई प्रगति की जानकारी ली। सभी को वर्गीकृत रिपोर्ट देने का निर्देश दिया। उन्होंने प्रखंडवार लंबित आवासों के निबंध कार्य को निहित समय पूर्ण करने का निर्देश भी दिया। बताया गया कि बड़हरवा प्रखंड में अनुसूचित जाति के 169 व अनुसूचित जनजाति के 141 लाभुक को आवास स्वीकृति दी गई है। बोरियो प्रखंड के 1144 लाभुकों का निबंधन किया गया है। मनरो प्रखंड से 586 लाभुकों का आवास स्वीकृति किया गया है। मनरेगा की समीक्षा में बताया गया कि बोरियो प्रखंड ने नवंबर तक पीडी जनरेशन के पूर्ण लक्ष्य की प्राप्ति की है। राजमहल बरहेट एवं पतना को अधिक योजना लेने एवं विस्तार करने का निर्देश दिया गया। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।